सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्माओं, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में योगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहाँ भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन जिस जीवन, जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जोंके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे लख चौरासी माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं, कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो, बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से और
परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्मा, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारम्बार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फेर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है, काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहां जकड़ रखा है। यहां पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, ये न त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं, उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप को जो सद्भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे।